हिडन लेक, जरूरी नहीं है पहाड़ों या पत्थरों के बीच में ही हो, जंगल के बीच में हो, ये आपके लोकल देहरादून के ही अंदर है। पहली बता रहा हूँ ये मत कहना ललित शर्मा ने खोपचा दिखाया था तो लव लपाटी के लिए, नहीं बेटा आर्मी एरिया है ये, गोलियां पड़ेंगी। हेलो गाइस, करते हैं शुरुआत इस नए दिन की नई राख के साथ। तो जैसा आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिडन फॉल की, जो कि मेरा घर है नियर आइस बीटी, यहाँ से मैक्सिमम 10 किलोमीटर है वो फॉल, सॉरी लेक। हाँ, लेक और फॉल बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वो लेक 10 किलोमीटर खाली यहाँ से, तो हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ का आपको व्यू दिखाएंगे और हम भी थोड़ी देर बैठेंगे, तो आज की शाम वहीं गुजारेंगे। तो आप इतना लेक के वहाँ के नज़ारे लेना, हम वहाँ की वीडियो शूट कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी आप तब तक वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द कैप्चरिंग हट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग हट। द कैप्चरिंग हट मतलब एक ऐसी झोपड़ी जिसमें हम सब कुछ कैद कर सकते हैं। खैर, ये नाम रखा है मेरे एक झोपड़ी वाले दोस्त आर्यन सैनी ने। और अभी मैं आया था, टाइटल में देखा होगा आपने कि इसमें एक हिडन लेक की बात की गई है, और वो हिडन लेक जरूरी नहीं है पहाड़ों या पत्थरों के बीच में ही हो, जंगल के बीच में हो, ये आपके लोकल देहरादून के ही अंदर है। कैंट एरिया एक है ये राजपुर रोड का, और ये आपकी हिडन लेक, आपको ऐसे दिखेगी नहीं शायद, दिख रहा हो ठीक है, वहां से रास्ता है तो आपको, ठीक है मैं दिखाता हूँ जाके। ये है इसका रास्ता, ठीक है, यहाँ से नीचे जाने का पूरा चलने का है, ठीक है, हम देखते नीचे जाके अब कैसा लगता है हमें। तो गाइस, ये है वो लेक जो मुझे लिटरली बहुत पसंद है, क्यों, क्योंकि ये राजपुर रोड के और अपने कैंट एरिया के ना जस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो जैसे हमारे कुछ साथी हैं जिनके साथ हम लंच करने और यहाँ आते हैं, तो यहाँ बैठ के सुकून मिलता है, अच्छा खासा बढ़िया सुकून मिलता है। तो फिलहाल आपको पीछे धूप पड़ रही है इधर से खातों में, तो सुकून मिलता है। और सुकून के साथ ये है कि अपना लंच टाइम आप 1 घंटा अगर आपको वहाँ मिलता है ना ऑफिस में, और 1 घंटे के बीच आपको आधा घंटा यहाँ बैठ के इतना शांति से, इतनी बढ़िया जगह पर, यहाँ रश भी नहीं है, पर रस नहीं है इसका मतलब कुछ गलत कांड नहीं है, सिर्फ लंच और अपना बैठ के आर्मी एरिया सीधा गोली ढां। तो ये अपनी लेक है, ओ वाओ ब्यूटीफुल है यार। और जो आसपास का इन्होंने बनाया ना, ये नई लेक बनाई है, अगर किसी ने मुझसे पहले देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि हाँ ये हमने उस टाइम पे देख ली थी, कब बनी मुझे नहीं पता, बट मैंने अभी देखी एक आध दिन में, तो मैंने कहा यहाँ शूट करना बनता है, ये लोगों को दिखाना है। वहाँ पे बैठने का पूरा सिस्टम, वो बैठने का है, वहाँ लाइट वाइट रात को उठ जाता है, यहाँ पे रात को रोशन होता है यहाँ पे। जैसे आपने देख लिया यहाँ पे शांति देखी, मतलब मैं बिल्कुल रोड के, ये देखो वो मेन रोड, ये मेन रोड है, इसके जस्ट नीचे हूँ मैं, पर यहाँ पे जो शांति हो आप देख सकते हो किस तरह की शांति है। और पहली बता रहा हूँ ये मत कहना ललित शर्मा ने खोपचा दिखाया था तो लव लपाटी के लिए, नहीं बेटा आर्मी एरिया है ये, बहुत गोलियां पड़ेंगी, ठीक है। तो अपना आइए, लंच वंच कीजिए, बैठिए, एक आध घंटा सुकून लीजिए और घर जाइए। तो ऐसा हो चुकी है शाम, हम चलते हैं घर की तरफ, आप लोग घर में अपने सेफ रहिए, आप लोगों के लिए हम घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका काम है वीडियो देखना और शेयर करना, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो टेक केयर, टाटा बाय बाय, आपका जो काम है आपको बताया, ठीक है ना, क्या करना है, 3 चीज़ बस, लाइक शेयर एंड कमेंट, बस नथिंग, और नए पीपल सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, टाटा।